गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर क्लास। डे बिफोर स्टरडे वी हैव कंप्लीटेड आवर फाइव सेंस ऑर्गन, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक गुड टच एंड बैड टच। गुड टच एंड बैड टच, इफ समवन टचेज अस वी कैन सेंस द इमोशन अटैच्ड विथ इट। अगर कोई भी हमको स्पर्श करता है, कोई भी हमको छूता है, हमको तुरंत यह चीज़ एहसास होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, इफ आवर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स पैट अस ऑन आवर शोल्डर, होल्ड आवर हैंड आर हग अस, इट मेक्स अस फील कम्फर्टेबल एंड सेफ। जब कभी हमारे, यदि हमारे पेरेंट्स, दोस्त हमारे कंधे को थपथपाते हैं, हमारा हाथ पकड़ते हैं, हमसे गले मिलते हैं, इट मेक अस फील कंफर्टेबल एंड सेफ। यह हमें कैसा एहसास होता है? कंफर्टेबल, आरामदायक और सुरक्षित। सच ए टच दैट मेक अस फील गुड एंड कंफर्टेबल इज गुड टच। वह एहसास, वह स्पर्श जो कि हमको कैसा लगता है, कंफर्टेबल लगता है और अच्छा लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? गुड टच। हाउएवर द टच ऑफ सम पीपल मे मेक अस फील अनसेफ एंड अनकंफर्टेबल। जबकि कुछ लोगों का छूना या स्पर्श करना ऐसा, जैसे किसी ने आपको मार दिया कस के, ये भी तो एक तरह का टच ही हुआ, तो कैसा हुआ है? अनकंफर्टेबल हुआ। सच ए टच इज बैड टच, वी शुड स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल एंड इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स आर टीचर्स अबाउट देम इमिडिएटली। तो इस तरह से कोई अगर हमको टच करता है, हमें उससे दूर रहना चाहिए और ऐसे लोगों के विषय में अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। हाउ डू दे बिहेव, हाउ डू दे बिहेव। एनिमल्स कैन ऑल्सो सेंस गुड एंड बैड टच। जानवर भी अच्छा बुरा स्पर्श का एहसास करते हैं। इफ वी पेट एन एनिमल इट शोज इट्स लव एंड स्टार्ट फॉलोइंग अस। जब हम अपने जानवरों को प्यार से थपथपाते हैं तो अपना प्यार दिखाते हैं, तो भी अपना प्यार हमको दर्शाते हैं। इफ वी टच एन एनिमल विथ एन इंटेंशन टू टीज आर हर्ट इट, द एनिमल इज़ मोर लाइकली टू अटैक अस। लेकिन जब हम जानवरों को, जीवों को बैड टच का एहसास कराते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, तो वो भी हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। इन दिस वे एवरी वन राइट फाइव सेंटेंस अबाउट गुड टच एंड बैड टच। थैंक यू।